शीतल एक मिडिल क्लास परिवार में बहू थी। उसका पति हमेशा किसी काम से बाहर रहता था और वो अपनी सास के साथ घर पर रहती थी, इसलिए उसकी सास कलावती शीतल के हर काम में गलतियां निकाला करती थी। देखिए माँ जी, मैंने आपके लिए आज मटर पनीर बनाया है। अच्छा, ला जरा टेस्ट करके बताऊं। अरे वाह, इसने तो अच्छा मटर पनीर बनाया है, लेकिन इसकी तारीफ थोड़ी करूंगी मैं। नालायक लड़की, कितना ज्यादा नमक डाल दिया है, अगर मेरा बीपी लो हो गया तो। माँ जी, ज्यादा नमक से बीपी लो नहीं, हाई होता है। हाँ मतलब वही। मैंने तो नॉर्मल ही नमक डाला था माँ जी। तो मैं क्या झूठ बोल रही हूँ, चल भाग यहाँ से, जाके दूसरा काम कर। शाम को, माँ जी आज मेरी फ्रेंड कीर्ति की सास का बर्थडे है, हमें उसकी पार्टी में जाना है, आप चलेंगी ना? अरे वाह, पार्टी, चलूंगी। दोनों सास बहू कृति के सास के बर्थडे पार्टी में जाते हैं। कृति एक बहुत ही अमीर परिवार की बहू होती है, लेकिन वो हमेशा अपनी सास से परेशान रहती थी। अरे वाह भैया, मैंने तो जैसा कहा था, आप लोगों ने वैसी ही सजावट की है, बहुत सुंदर लग रहा है हमारा बंगलो। इसे अच्छी सजावट बोलते हैं क्या? क्या है ये सब? मैंने कहा था मेरे बर्थडे में पटाखे वगैरह जलने चाहिए, एक भी पटाखा नहीं दिख रहा मुझे। माँ जी, पटाखों से पॉल्यूशन होता है। मेरा बर्थडे क्या रोज रोज आता है, साल में एक बार तो आता है, इडियट कहीं की। तभी शीतल अपनी सास के साथ वहाँ आ जाती है। हेलो कृति, कैसी है तू? अरे वाह शीतल, मेरी बेस्ट फ्रेंड तू आ गई। आपका बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे टूटू। व्हाट नॉनसेंस, बर्थडे नहीं बर्थडे होता है, और हैप्पी बर्थडे टू यू बोलना होता है, टूटू नहीं। अरे तू तो समझ गई ना, फिर इतनी नौटंकी काहे कर रही है। व्हाट डू यू मीन बाय नौटंकी, स्टूपिड, गरीब गवार प्यूपल। क्या तूने मुझे गवार बोला? तेरी तो। कलावती और सरिता आपस में लड़ने लग जाती हैं। अरे मम्मी जी रुक जाइए, आज के दिन ऐसे मत लड़िए। हाँ माँ जी, आप भी यहाँ आ जाइए, लड़ाई मत कीजिए। तू ही मुझे यहाँ पर लेकर आई है ना, तुझे भी बताती हूँ। तूने ही अपने गरीब दोस्त को बुलाया है ना यहाँ, मैं भी अभी तुझे बताती हूँ। दोनों सास अपनी अपनी बहू को मारने लगती हैं। आउच मम्मी जी, लग रही है, छोड़िए मुझे। माँ जी मुझे भी लग रही है, छोड़िए ना मुझे। अच्छा आप दोनों मारना बंद कीजिए, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बोलना है। दोनों सास अपनी बहुओं को मारना बंद कर देती हैं। क्या है? मेरे दिमाग में अभी एक बात आई है कि मम्मी जी आप इतनी अमीर सास हो मेरी, शीतल की सास गरीब सास है, तो आप दोनों में से बेटर सास कौन सी है? मैं हूँ सबसे अच्छी सास। चल हट बड़ी आई, मैं हूँ अच्छी सास। अरे आप लोग फिर से मत लड़िए, मेरे पास एक आइडिया है, आज की पार्टी खत्म होने के बाद हम करेंगे अमीर वर्सेस गरीब सास कॉम्पिटिशन, आप दोनों के बीच में, फिर पता चलेगा कि कौन है सबसे अच्छी सास। ठीक है, मुझे मंजूर है। मुझे भी। आखिर तू क्या करना चाहती है? अरे मेरे पास एक मस्त प्लान है, इधर आ तुझे बताती हूँ। रात को पार्टी खत्म होने के बाद तो चलिए कंपटीशन शुरू करते हैं। इसमें कंपटीशन को होस्ट करेगा मेरा भाई, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड तो है ही नहीं घर पे। ठीक है चलेगा। तो सबसे पहले कंपटीशन में आप दोनों को अपनी बहुओं के लिए खाना बना के लेके आना है, जिससे पता चलेगा कि आप अपनी बहुओं के स्वाद का कितना ख्याल रखती हैं। अरे ये तो बहुत आसान है। कलावती और सरिता दोनों खाना बना के लेके आते हैं। शीतल अपनी सास कलावती का खाना टेस्ट करती है और कहती है, माँ जी खाना तो ठीक है, लेकिन नमक थोड़ा ज्यादा है। क्या बोली कमीनी तू? कृति भी अपनी सास सरिता का खाना टेस्ट करते हुए कहती है, ईयू,
ये कैसा अजीब सा खाना बनाया है मम्मी जी। क्या बोली तू, अभी बताती हूँ तुझे। अरे अरे आप दोनों गुस्सा मत होइए, अभी कंपटीशन बाकी है। तो इस राउंड के विनर हैं गरीब सास। अरे वाह मैं जीत गई। तो अगले राउंड में आप दोनों को गाना गाना है। मैं जिस हीरोइन का नाम बोलूंगा आपको उस हीरोइन का कोई गाना गाना है। तो गरीब सास गाएगी कोई करीना कपूर का गाना। बेबो मैं बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो। हे भगवान कैसा गाना गा रही हैं आप इस उम्र में। तो अमीर सास को गाना है कैटरीना कैफ का कोई भी गाना। ओ जी अरे जी अरे, ओ जी अरे जी अरे। आंटी जी ये थोड़ा गलत गाना चुन लिया आपने, इसमें तो पूरा जी आर ए से ही खत्म हो गया। तो इस राउंड की विनर अभी भी है गरीब सास। तेरी तो सरिता मोहित को पीटने लग जाती है। चलिए अब आखिरी राउंड करते हैं, ठीक है। इस राउंड में जो भी जीतेगा वही कंपटीशन का विनर होगा और वही होगी बेस्ट सास। ये तो चीटिंग है, इस राउंड से ही जब बेस्ट सास बनेंगे तो पिछले राउंड का क्या फायदा। कलावती मोहित को पीटने लगती है। ये राउंड तो मैं ही जीतूंगी चाहे जो हो जाए। इतनी आसानी से तुझे मैं जीतने नहीं दूंगी। तो इस राउंड में आपको दिखाना है कि आप अपनी बहू को पैसों से भी ज्यादा प्यार करते हो, पर मुझे लगता नहीं है कि ऐसा है। अरे मैं अपनी बहू से पैसों से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा, क्या आप अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बहू के नाम कर सकती हो? और नहीं तो क्या। मोहित प्रॉपर्टी के पेपर लेके आता है, कलावती उस पर साइन कर देती है। सरिता भी अपनी प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन कर देती है। माँ जी अब आप दोनों एक बार घर के बाहर चलिए, विनर का फैसला वही होगा। कलावती और सरिता दोनों घर के बाहर जाते हैं तभी कृति गेट बंद कर देती है। अरे ये क्या कर दिया, गेट खोल दरवाजा खोल। अब आप दोनों की प्रॉपर्टियां हम बहुओं के नाम पर है। आज के बाद आप लोगों ने हमें कभी भी परेशान किया या हम पर जुल्म किया तो इसी तरह आपको घर से निकाल देंगे। वाह कृति क्या मस्त प्लान बनाया तूने। अरे इन दोनों ने तो हमें चूना लगा दिया। अरे आप दोनों की ही गलतियां हैं आंटी जी, अगर आप अपनी बहुओं पर जुल्म नहीं करती तो ये सब नहीं होता। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। अच्छी लगी कहानी, इसलिए कहते हैं कभी किसी को परेशान ना करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। और आने वाली कहानियों को देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।